अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूँ आपके साथ शहरबानो आबा। मैं हूँ महक असलम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में एक अहम सवाल कि जाली अकाउंट्स केस में जयाले कैद की अबूरी जमानत में तौसी होगी या फिर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। आसिफ अली जरदारी फैसला सुने बगैर ही अदालत से रवाना हो गए। फारूक इस नायक ने दलाइल में नैब की बदनीयती पर बात की। नैब प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में दरखास्तों में नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा की है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, समाअत के हवाले से बताइएगा और आसिफ अली जरदारी फैसला सुने बगैर ही अदालत से रवाना हो गए। जी देखिए, फैसला महफूज किया गया था जिसके बाद आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस रवाना हुए हैं। अदालत की जानिब से यह कहा गया था कि अदालती हुक्म का इंतजार करें और जब भी ऐसा कहा जाता है तो हम देखते हैं कि फैसला महफूज हो जाता है और उसके बाद किसी भी वक्त सुनाया जाता है। तहम आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर उससे पहले ही कमरा अदालत से बाहर चले गए थे। उनके वकील की जानिब से यह इजाजत ली गई थी कि चूंकि कमरा अदालत में बहुत ज्यादा हजूम हो गया है तो जब तक कोर्ट उठ नहीं जाती उस वक्त तक कि हमें बाहर जाने की इजाजत है। ये इजाजत लेकर वो कमरा अदालत से बाहर काउंसिल के कमरे तक गए थे जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए हैं। तहम फैसला अभी भी महफूज है तो किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। अदालत में अब भी जो है दीगर मुकदमात हैं तो जमानत के उनसे सुनवाई जारी है। आज दलाइल दिए गए थे, नैब की जानिब से भी जो लिंक बनता है वो बताया गया था अदालत के सामने कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर का किरदार सामने आया और क्यों आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी जरूरी है। नैब की जानिब से जो ट्रांजैक्शन है मुख्तलिफ जिससे पैसे जरदारी ग्रुप के अकाउंट में आए उनका हवाला दिया गया था जिसको बदनीति करार दिया। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नायक ने उनका यह कहना था कि कोई भी जाली अकाउंट खोलने में आसिफ अली जरदारी का किरदार नैब की अपनी दस्तावेजात के मुताबिक भी अब तक सामने नहीं आया है। उन पर इल्जाम सिर्फ ये है कि 1.5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट्स में आए हैं जो कि जरदारी ग्रुप के अकाउंट्स हैं और वो बिजनेस का पैसा था जो बिजनेस अकाउंट्स हैं उनसे आए हैं। वो ओमनी ग्रुप की जानिब से खोले गए थे, आसिफ अली जरदारी का उससे ताल्लुक नहीं बनता। दूसरा ये भी कहा गया फारूक नायक की जानिब से कि नैब की जानिब से चेयरमैन नैब को अब इख्तियार नहीं है कि वो आसिफ अली जरदारी के वारंट जारी करें क्योंकि ये केस अब नैब की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की सतह पर नहीं है। चेयरमैन नैब सिर्फ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान वारंट जारी कर सकते हैं। ये केस अब अदालत में आ चुका है, एहतसाब अदालत में ये अबूरी रेफरेंस कर रहा है जहां पर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर दोनों हाजिरी यकीनी बनाने के मचलके जमा करवा चुके हैं और अब ये इख्तियार सारा अदालत का ही बनता है। अदालत ही इस मामले को देख सकती है, चेयरमैन नैब इस मौके पर उनके वारंट जारी नहीं कर सकते। ये कहा गया था फारूक नायक की जानिब से और ये इस्तदा की गई थी अदालत से कि जो दरखास्त जमानत है वो मंजूर की जाए क्योंकि आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश भी हो रहे हैं और नैब के पास कुछ ऐसे शवाहद भी नहीं है ना ही उनका इख्तियार है कि अब वो उन्हें गिरफ्तार कर सके। ये दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। अदालत में शरीक मुलजमान दीगर मौजूद थे, उनके जो दरखास्तें जमानत की वो भी सुनी गई। आसिफ अली जरदारी की एक और केस में भी आज दरखास्त जमानत जो है वो समाप्त के लिए मुकर्रर थी, उसमें नैब की जानिब से यह बताया गया जो कि हरीश एंड कंपनी को गैर कानूनी ठेके देने की इंक्वायरी है। नैब ने अदालत में यह बयान दिया कि इस केस की हद तक हमें आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी नहीं चाहिए ना ही उनके कोई वारंट जारी किए गए हैं जिस पर वो दरखास्त अदालत ने निपटा दी है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज है जो कि अब भी महफूज है और अदालत में अब जो दीगर जो जमानत के मुकदमात हैं वो सुने जा रहे हैं। शरीक मुलजमान की दरखास्तें भी इस वक्त जो है उन पर भी सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज है। अदालत ने ये कहा है कि किसी भी वक्त फैसला सुनाया जाएगा, अदालती फैसले का इंतजार करें ऐसा कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दो रुकनी बेंच ने आज समाअत की है उनकी जानिब से। तो फैसला महफूज कर लिया गया है जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप अपडेट कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी अदालत से बाहर निकले तो सहाफियों ने घेर लिया, सवाल हुआ क्या तवक्को है, फैसला क्या आने वाला है। जवाब दिया जो भी होगा खैर होगा। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जरदारी साहब क्या फैसला देख रहे हैं, क्या तो आज के फैसले सबको क्या जा रहे जो भी होगा खैर होगा। जरदारी साहब आप इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि नवाज शरीफ हमेशा धोखा देते हैं, इस मरतबा अलायंस करने जा रहे हैं अपोजिशन के साथ, क्या इस मरतबा धोखा नहीं देंगे? किसने भेजा है मुझे ये समझ जर्नलिस्ट को भी तो भेजा जाता है असाइनमेंट एडिटर ही सर हमें तो भेजता है, हमें कोई नहीं एडिटर तो किसी के कहने पे चलता है। बजट को किस तरह देख रहे हैं, बजट आ रहा है बजट इनको बनाना ही नहीं आता।
عوام 30 جون تک بینامی اثاثے ظاہر کر دیں پھر موقع نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو اہم پیغام دے دیا، کہا ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا 2000 ارب روپے سے پاکستان کے اخراجات نہیں چلائے جا سکتے۔ میرے پاکستانی ہوں، ہم یہ جو اثاثہ ڈکلیئر کرنے کی اسکیم لے کے آئے ہیں اس میں آپ سب شرکت کریں۔ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم اپنے ملک کو اوپر نہیں اٹھا سکتے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہم ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم کے نام اہم پیغام، عوام سے اثاثے ظاہر کرنے کی اپیل کر دی۔ 30 جون تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے اثاثے، اپنے بینامی اثاثے، بینامی بینک اکاؤنٹ، باہر پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ڈکلیئر کریں۔ 30 جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ عمران خان نے کہا گزشتہ 10 سال میں پاکستان کا قرض 6000 ارب سے بڑھ کر 30000 ارب روپے پر پہنچ گیا۔ سالانہ 4000 ارب روپے ٹیکس میں سے آدھا قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ جو باقی پیسہ بچ جاتا ہے اس پہ یہ ملک نہیں اپنے خرچے پورے کر سکتا۔ پاکستانی وہ قوم ہے جو بدقسمتی سے دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، اور اگر جذبہ آ گیا تو کم از کم ہم 10000 ارب روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں ہر سال۔ 30 جون کے بعد کیا ہوگا؟ وزیر اعظم نے یہ بھی بتا دیا، آج جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفارمیشن ہے کبھی پہلے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں۔ اکاؤنٹس کی ان کی انفارمیشن آ رہی ہے، ہماری ایجنسیز کے پاس انفارمیشن ہے کس کے پاس بینامی اکاؤنٹ پڑے ہیں، بینامی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا آخری موقع ہے، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، ملک کو فائدہ دیں، اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، لوگوں کو غربت سے نکال سکیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کے پیغام کو ایمنسٹی اسکیم کا اشتہار اور الزام قرار دے دیا۔ مسلم اقنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان نے علیما باجی، جہانگیر ترین اور فیصل وابدہ کو بینامی اثاثے حلال کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ تازہ ترین خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے اور فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہا یہ جا رہا تھا کہ کبھی بھی سنایا جا سکتا ہے، اور آصف علی زرداری کی جو ضمانت ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کا یہ کیس ہے، اسی پر بات کریں گے۔ پھر نمائندے سہیل رشید نے ہمیں جوائن کیا۔ سہیل کہیے گا، فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا، محفوظ فیصلہ سنا دیا؟ جی ایسا ہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو درخواست ضمانت تھی آصف علی زرداری کی اس پر فیصلہ سنا دیا ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے۔ تو منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت 28 مارچ کو دائر کی تھی، اس سے 5 بار انہیں توفیق بھی ملی تھی درخواست ضمانت میں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج دلائل مکمل ہونے پر اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، پر اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اس درخواست سے ضمانت کو مسترد کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذریعے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو درخواست ضمانت تھی اس کو خارج کیا ہے۔ اب آصف علی زرداری کے وارنٹ کی گرفتاری نیب نے پہلے ہی جاری کر رکھے تھے، تو اب اس کو ان کی گرفتاری کی اجازت مل گئی ہے نیب کو۔ ایک طرح سے نیب کی ٹیم اب آزاد ہوگی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ نیب کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کیس میں اب بھی تفتیش جاری ہے، جو ضمنی ریفرنس ہے وہ دائر کیا جائے گا، اس کے لیے آصف علی زرداری کی گرفتاری ضروری ہے۔ نیب کی ٹیم اس وقت جو یہاں پر موجود تھی آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے، وہ کمرہ عدالت سے فیصلہ سننے کے بعد روانہ ہو چکی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری یہاں سے پہلے ہی کمرہ عدالت سے نکل چکے ہیں، اور اس وقت یہاں سے نیب کی ٹیم بھی روانہ ہو رہی ہے۔ جی صحیح، ٹھیک۔ شکیل، سہیل آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو ہم ماحول بتا رہے ہیں کہ نیب کی ٹیم یہاں پر موجود ہے اور نیب کی ٹیم روانہ ہو گئی ہے، اور آصف علی زرداری تو فیصلہ سنے بغیر ہی چلے گئے تھے، تو کیا اطلاعات ہے، کہاں سے گرفتاری ان کے عمل میں لائی جائے گی؟ آج ہی گرفتاری ہوگی یا انہیں اب دوبارہ کوئی نوٹس بھیجا جائے گا، کیونکہ وارنٹ گرفتاری تو پہلے جاری کر دیے گئے تھے؟ دیکھیں، اب نیب مکمل طور پر خود مختار اور آزاد ہوگا ان کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں، اور یہ ان کے نوٹس میں بھی آصف علی زرداری کے آ چکا ہے۔ آج ان کے وکیل نے عدالت کو بھی یہ بتایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وارنٹ سے باقاعدہ واقف کیا، اور چونکہ اب ان کی ضمانت کی درخواست ہی خارج ہو چکی ہے، مسترد ہو چکی ہے، اب نیب ان کو کسی بھی لمحے گرفتار کر سکتا ہے، نیب ان کی گرفتاری میں آزاد ہوگا۔ یہاں پر آج نیب نے گرفتاری کے تمام تر انتظامات مکمل بھی کیے تھے، لیکن آصف علی زرداری چونکہ فیصلہ سننے سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے تھے، اس لیے یہاں سے ان کی گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی، تاہم ان کی گرفتاری اب کسی بھی وقت
متوقع ہے کیونکہ نیب کے پاس ان کے وارنٹ بھی موجود ہیں، نیب کی نے گرفتاری کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے رکھی ہے جو کہ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج خصوصی طور پر موجود بھی تھی، خواتین اہلکار بھی ہم نے دیکھی یہاں پر موجود تھی اس وقت یہاں سے، لیکن آصف علی زرداری چونکہ واپس روانہ ہو چکے ہیں نیب کو ان کی گرفتاری کے لیے، یقیناً اب ان کی جو ٹیم ہے ان کا سراغ لگائے گی کہ وہ کس جگہ پر ہیں، جہاں بھی ہوں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب نیب کی ٹیم ان کو گرفتار کرے گی کیونکہ نیب کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش میں تعاون نہیں کیا گیا تھا آصف علی زرداری کی جانب سے، اس لیے ان کی گرفتاری ضروری ہے اور ان کی گرفتاری کے بغیر تفتیش مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کی گرفتاری کی استدعا بھی خصوصی طور پر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تفتیشی افسر جو نیب کے ہیں وہ وارن گرفتاری سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے اور نیب کی استدعا منظور کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کی اجازت نیب کو دے دی گئی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ لیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا نیب کی جانب سے کہ جو ضمانت کی درخواست ہے وہ ناقابل سماعت ہے اور اب اس پر باقاعدہ فیصلہ جاری کیا جا چکا ہے، نیب کی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو چکی ہے۔ سہیل، نیب کی ٹیم روانہ ہو چکی ہے، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کیا دوبارہ درخواست دائر کر سکتے ہیں آصف علی زرداری؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب وہ درخواست نہیں دائر کر سکتے، سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا پہلے، لیکن اب درخواست ضمانت چونکہ خارج ہو چکی ہے تو ان کی گرفتاری ان کو سرنڈر بھی کرنا ہوگا، یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ سننے سے پہلے وہ یہاں سے روانہ ہوئے تھے اور نیب کے پاس ان کے وارنٹ بھی موجود ہیں، نیب کی ٹیم بھی گرفتاری کے لیے یہاں پر موجود تھی، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہی متعلقہ فورم ہوتا ہے، لیکن آصف علی زرداری کی چونکہ یہ ضمانت قبل گرفتاری کی درخواست تھی جو کہ یہاں سے خارج ہوئی ہے اور نیب کی ٹیم یہاں پر موجود تھی ان کی گرفتاری کے لیے، اب آصف علی زرداری کے پاس جو متعلقہ فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، سہیل ساتھ رہے گا، بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ خالد صاحب کہیے گا، آصف علی زرداری 2 ماہ 12 دن عبوری ضمانت پر رہے، 5 بار توسیع بھی ہوئی اور آخر کا جو فیصلہ آیا وہ پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں رہا، کس طرح سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ اس سے پہلے رعایت ان کو یہ ملتی رہی ہے کہ وہ توسیع، کیونکہ خود انہوں نے ضمانت کے لیے قبل از گرفتاری کے لیے درخواست دی ہوئی تھی اور وہ ایک موقع پہ تو وہ گرانٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی یا توثیق ہوتی ہے یا وہ خارج کر لی جاتی ہے، لیکن ان کے کیس میں 5 مرتبہ اس میں توثیق کی گئی اور مختلف مواقع پہ مختلف نکات جو ہیں وہ بھی اٹھائے جاتے رہے، اور جس میں عام ترین نقطہ یہ تھا کہ چیئرمین نیب کی جانب سے ان کے وارنٹ ہی جاری نہیں ہوئے تھے، لیکن گزشتہ پیشی پہ جب عدالت نے نشاندہی کی تو اس کے بعد چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، آج پہلے تو تاثر یہی ملا کہ شاید وہ عدالت سے نکل کے گئے ہیں، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اس سے پہلے عدالت سے باہر آئے ہوئے تھے جبکہ دوسرے جو شریک ملزمان ہیں ان کے وکلاء کے دلائل چل رہے تھے، اس وقت وہ عدالت سے باہر آ چکے تھے اور وہیں سے وہ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف چل دیے اور انہوں نے اس معاملے میں عدالت سے اجازت نہیں لی تھی، اور جیسا کہ سہیل رشید ہمیں بتا رہے تھے کہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کریں، ہم ابھی یہ فیصلہ سناتے ہیں، تو انہوں نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلے گئے، اور وہ شاید اس حد تک کانفیڈنٹ تھے کہ وہ سوال جو صحافیوں کے سوال تھے ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوگا خیر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید انہیں یہ توقع تھی کہ ان کی یہ درخواست ضمانت جو ہے وہ قبول ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی اس کا اندازہ تھا اور وہ وہاں سے اسکپ کرنا چاہتے تھے اور وہ وہاں سے نکل آئے ہیں، لیکن اب جب ان کے وارنٹ گرفتاری ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس میں توسیع کی وہ مسترد ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اس وقت وہ ایک مطلوب ملزم ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب کیا حکمت عملی اپناتی ہے اور کیا ان کو وہاں جا کے گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں، اور لیکن ان کے پاس اب ماسوا اس کے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اس حکم کو سسپینڈ کر دے، اس پہ عمل درآمد کو روک دے، اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دے، اس کے بغیر وہ ایک مطلوب اور بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگر پیش نہیں ہوتے تو مفرور ملزم کے طور پہ ہوں گے، البتہ ان کی گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ اب نیب کے ہاتھ میں ہے کہ نیب اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اپنی ٹیم کو وہاں بھجوا کے اس کو گرفتار کرتا ہے، ان کو گرفتار کرتا ہے یا ادروائز کوئی اور حکمت عملی اپناتا ہے، اور یقینی طور پہ اب نیب کے پاس اس بات کا اختیار آ گیا ہے، عدالت نے درخواست ضمانت میں توسیع بالکل مسترد کر دیا گیا ہے۔ خالد عظیم صاحب، فیصلہ آنے سے پہلے ہی آصف علی زرداری روانہ ہو گئے تھے، انہوں نے گفتگو کی، پہلے وہ سنوا لیتے ہیں۔ زرداری صاحب، کیا فیصلہ دیکھ رہے ہیں، کیا توقع ہے آج کے فیصلے سبق کو؟ کیا جو بھی ہوگا خیر ہوگا انشاءاللہ۔ زرداری صاحب، کیا فیصلہ دیکھ رہے ہیں، کیا توقع ہے آج کے فیصلے سبق کو؟ کیا جو بھی ہوگا خیر ہوگا۔
اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل جاوید. بہت شکریہ آپ کا فیصل جاوید صاحب. فیصلہ آ گیا ہے اور زرداری صاحب کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور نیب کی ٹیم پہنچ گئی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. کیا کہیں گے؟ جی ہاں, یہ اوور ڈیو تھا فیصلہ, اور یہ جو ریجیکشن تھی اس ان کی بیل کی اوور ڈیو تھی, اور لگتا تو یہ ہے کہ سالڈ ایویڈنس ہے نا آپ کے پاس. کیونکہ ایک اور ہمیں بڑی چیز دیکھنی ہے جو کہ عام الفاظ میں بتا دوں کہ کیسے ممکن ہے, آپ تصور کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ 10 سال میں ہمارا غریب مزید غریب ہوا ہے اور یہ دو خاندان امیر ہوئے ہیں. ان کے جعلی اکاؤنٹس, ان کا اومنی گروپ, ان کی جدادیں باہر, ان کی ہر چیز یہ ترقی کر رہی ہے اور ملک نیچے جا رہا ہے. ان کے گراف اوپر جا رہے ہیں, ملک کا گراف نیچے جا رہا ہے, اور پھر قرضے بھی اوپر جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے زیادہ یہ امیر ہو جائیں, اتنی زیادہ دولت, تو یہ سارا کرپشن اور منی لانڈرنگ. تو اب جو ہے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ انصاف سے اب کوئی بچ نہیں سکے گا. اب جو یہ جو کرپٹ عناصر ہیں, ان کا وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان, یہ واحد راستہ ہے آگے جانے کا, اور کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے پاس آگے جانے کا. اکاؤنٹیبلٹی, اور جس نے کرپشن کی عوام کو لوٹا ہے اس کا احتساب ہونا اور ان کو سزائیں ملنا, اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کا پاکستان کے خزانے میں واپس آنا, یہی واحد راستہ ہے. فیصل قطع کلامی کی معذرت, احتساب کی بات کریں لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے احتساب صرف ایک مخصوص لوگوں کا ہو رہا ہے جس میں اپوزیشن شامل ہے. جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کا تو احتساب نہیں کر رہی. آج بھی مریم اورنگزیب نے یہی بات کی ہے. کسی انصاف کے ادارے میں کوئی مداخلت نہیں حکومت کی, لیکن 10 سال یہی حکومتیں کرتے رہے ہیں, 30 سال سے کرتے ہیں, لیکن 10 سال میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی, جو چارٹر آف کرپشن کیا ہے, اس کے ریزلٹس دیکھیں نا کیا ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ, جو 24,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے وہ لگا کدھر ہے؟ نہ کوئی ڈیم بنا, غریب ہوئے, نہ کوئی, سارے ادارے تباہ ہوئے. ایک ادارہ نہیں جو پروفٹ میں ہو, ایک ادارہ نہیں جو بریک ایون پر ہو, سارے ادارے تباہ, غریب. یہ امیر, یہ دو خاندان جو ہیں جن کے بارے میں عمران خان کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے جو جس طرح سے ملک کو لوٹا ہے بے دردی کے ساتھ, تو اب وہ اگر اپنے اس کو پوچھے صرف اور صرف ملتے اس لیے کہ اپنی کرپشن بچا سکے. سامنے کون آتا تھا؟ یا آپس میں کھیل لیتے تھے, یا پھر کوئی اور ہوتا تھا انہیں این آر او دے دیتا. اب تو سامنے عمران خان ہے, اب تو انہیں کوئی این آر او نہیں ملنا. تو یہ اب یہ ایسی باتیں کریں گے. انہوں نے کرنا کہ ہمیشہ ان کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے ساتھ ہوئے, صرف الیکشن میں لگ ہوتے ہیں, ولن بنتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. ٹھیک, عوام میڈیا کی وجہ سے. فیصل کامنٹ آپ کا آگے. ابھی ناظرین کو تازہ ترین خبر دیں, ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب کی ٹیم آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوگی ہے. قانون کے مطابق گرفتاری عمل میں لائیں گے. نیب ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. نیب ذرائع یہ بتا رہے ہیں نیب کی ٹیم آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو گئی ہے. بڑی خبر, اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سہیل رشید نے ہمیں جوائن کیا. سہیل کہیے گا, نیب کی ٹیم روانہ ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے, کتنے ممبران ہیں ٹیم میں, کیا لائحہ عمل اپنانے والے ہیں, کس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیے, 5 رکنی ٹیم نیب کی تشکیل دی گئی ہے جو کہ آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پہلے یہ ٹیم جو تشکیل دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تھی, لیکن چونکہ یہاں سے وہ روانہ ہو چکے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب واپس سے جو ہے وہ ٹیم ان کی کھوج میں روانہ ہو چکی ہے. زرداری ہاؤس بھی دیکھا جائے گا اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی, آصف علی زرداری جہاں پر بھی ہوں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا. اور آج ہی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کے جو وارنٹ آف اریسٹ ہیں ان کی آج ہی تعمیل کی جائے گی, کیونکہ جو واحد ان کے پاس ریلیف تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کا, وہ ختم ہو چکا ہے. ان کی درخواست کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو چکی ہے, اور نیب کی جانب سے یہ انڈیا بھی دیا جا رہا ہے کہ جو فریال تالپور ہیں چونکہ ان کی درخواست کی ضمانت بھی خارج ہوئی ہے, تو ان کی جو گرفتاری ہے وہ بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے, کیونکہ فریال تالپور کی جو درخواست ضمانت تھی اس کی بھی بھرپور مخالفت کی گئی تھی نیب کی جانب سے, اور نیب نے اسے بھی خارج کرنے کی استدعا کی گئی تھی. ان کی حد تک نیب کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا گرفتاری نہیں چاہیے, چونکہ اب نیب کا یہ بھی موقف ہے کہ اس سے بھی جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے پی ڈی ہے روانہ کر دی گئی ہے, جبکہ فریال تالپور کی گرفتاری کے حوالے سے بھی
जल्द फैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों की जो जमानत की दरखास्त थी उसकी मुखालफत की गई थी नैब की जानिब से, और ये कहा गया था कि इनको खारिज किया जाए और नैब की इस्तदा कबूल की गई है, मानी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अब जो नैब की टीम है वो रवाना हो चुकी है आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, नैब की टीम रवाना हो गई है। सुहेल, हमें ये भी बताइएगा कि फरियाल तालपुर के बारे में क्या अहकाम जारी किए गए हैं, क्या उनके बारे में फैसला भी नहीं सुनाया गया? ये देखिए, उनकी दरखास्त जमानत भी खारिज की गई है, मुस्तरद की गई है, उनकी दरखास्त जमानत भी उसकी भी मुखालफत की गई थी नैब की जानिब से, और अब उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के हद तक जाली अकाउंट्स का केस है, इसमें जितने भी शरीक मुलजमान हैं उन तमाम ने जिनने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया था, तमाम दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तमाम दरखास्तें खारिज की हैं। जिन मुलजमान की हद तक नैब ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए उनको निमटाया गया, और जो जिनमें नैब ने कहा था कि इनकी गिरफ्तारी चाहिए उनको खारिज किया गया है, और अब ये नैब का इख्तियार है कि उन मुलजमान को गिरफ्तार कर सकता है। तहम अभी तक जो वारंट गिरफ्तारी है वो नैब के पास सिर्फ आसिफ अली जरदारी के थे, चूंकि तो फौरी तौर पर उन्हीं की तामील की जा रही है। पहले आसिफ अली जरदारी की जो गिरफ्तारी है वही अमल में लाई जाएगी। फरियाल तालपुर के हवाले से भी फैसला जल्द किया जाएगा, क्योंकि गुजश्ता माह चेयरमैन नैब की जानिब से ये इंदिया दिया गया था कि वो ऐसा लाइमल बना रहे हैं कि मुस्तकबिल में खवातीन को गिरफ्तार ना किया जाए और उनको कम से कम जो है वो ऐसा जरूरत पड़ने पर ऐसी नौबत ना आए कि उनको गिरफ्तारी अमल में आए। लेकिन चूंकि यहाँ पर नैब ने फरियाल तालपुर की हद तक मुखालफत की थी उनकी दरखास्त जमानत की, और नैब का मौकफ ही माना गया है और उनकी दरखास्त जमानत खारिज की। सुहेल, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सीनियर एनालिस्ट अदनान आदिल सामने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अदनान साहब, क्या सियासी माहौल बनते हुए देख रहे हैं आप? आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी, नैब की जानिब से दूसरी बड़ी गिरफ्तारी अभी अमल में लाई जाएगी, क्या लगता है आपको, मुफाहमत के बादशाह मजाहमत की राह पर आ सकते हैं? अपनी जो पीछे टीम है, जो उनके जाले हैं, उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है अब हुकूमत के खिलाफ ज़्यादा सख्त रवैया अपनाएगी और सियासी माहौल जो है वो बहुत गर्म हो जाएगा। वैसे ही इस वक्त आपको पता है पंजाब और पूरे मुल्क में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आसिफ अली जरदारी के गिरफ्तार होने से ऐसे वक्त में जबकि बजट भी आने वाला है, हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि कल हमजा शहबाज की भी जमानत का केस लाहौर हाई कोर्ट में लग रहा है और इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो दोनों बड़ी पार्टियां अपोजिशन की जो हैं इस वक्त वो एहतसाब की जद में हैं, और उनके लिए ये एक नेचुरल बात है कि वो एक दूसरे के करीब आएंगी और कोई ना कोई वो ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर सकती हैं सिंध में, इस्लामाबाद में, ताकि हुकूमत पे प्रेशर डाला जा सके और हुकूमत की जो स्मूथ वर्किंग है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। पार्लियामेंट में भी हम समझते हैं कि जो इजलास होने जा रहा है बजट का, उसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है खासी हंगामा आराई कर सकते हैं। तो एक तरह से मुल्क में जो है इस वक्त सियासी महाजाराई का रास्ता खुल गया है, लेकिन ये केस है जो बहुत अरसे से पेंडिंग था। 5 बार इनकी जमानत हो चुकी थी आसिफ अली जरदारी की कबल गिरफ्तारी, और आज जो है उनके वकील ने यह कहा कि अब तो एक अबूरी रेफरेंस भी पेश किया जा चुका है, ना ये तफ्तीश के मरहले पे है ना ये इंक्वायरी के मरहले पे है, तो अब इनकी गिरफ्तारी नहीं बनती। मगर अदालत ने उनके दलाइल को रिजेक्ट करके उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया या उनकी जमानत मुस्तरद कर दी और इस बात की इजाजत दे दी नैब को कि वो गिरफ्तार कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसका सियासी फॉल आउट होगा, हुकूमत को अब ये प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही थी और वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने की तैयारियाँ कर रही थी, उसमें मजीद तेजी आएगी। जनाब अली, बिल्कुल खालिद अजीम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्या ऑप्शंस बचते हैं आसिफ अली जरदारी के पास, अब क्या होगा, मतलब क्या लगता है कि फ्रंट फुट पे आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी? देखिए जी, उनको आना पड़ेगा, उन्होंने ऐलान तो किया हुआ है, अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये एक अलग मौजू है। लेकिन एक बात जो है वो अब तय है कि इससे पहले मुमकिन है अगर ये गिरफ्तारी ना हो अभी, क्योंकि अभी तो वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और कल हमजा शहबाज जो हैं अगर उनके मामले भी इसी तरह का कोई फैसला आता है और उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, तो उसके बाद अपोजिशन की जो तहरीक है वो बजट के ख़िलाफ़ कम समझी जाएगी, महंगाई के ख़िलाफ़ कम समझी जाएगी, हुकूमत के मुआशी इकदामात के ख़िलाफ़ कम समझी जाएगी, और यही समझा जाएगा कि ये अपने जो गिरफ़्तार शुदा लोग हैं उनके गुस्से के इजहार के लिए आड़ बना रहे हैं, इक्तसादी उमूर को आड़ बना रहे हैं बजट को, ये एक इनके लिए एक सेटबैक ज़रूर होगा। जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने ये जो बात कही है उनको और किसी जगह से ना कोई ऐसी तवक्को है और ना पीपल्स पार्टी का इतना कोई भारी भरकम वजूद वहाँ दिखाई देता है। अलबत्त सिंध की बात दूसरी है, सिंध के अंदर तमाम तर तजियों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता इलेक्शन में एक मरतबा फिर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग पोजिशन में
पीपल्स पार्टी जो है वो सामने आई है, और ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे उनकी उनका असर व रसूख पहले की नस्बत ज़्यादा है, और उनके खिलाफ जो उनकी एक नाकाम हुकूमत का और वो थर में बच्चों के मरने का और ये सारी इस किस्म की जो चीज़ें थीं उसका लोगों ने असर नहीं दिया। वो चाहे जितने भी दुरुस्त मामलात थे और जितना भी उस पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद जो है उसको कहा जाए कि वह दुरुस्त थी और जायज़ थी, लेकिन जो वोटर है उसने उसका असर नहीं लिया। तो ये हो सकता है कि सिंध की हद तक वो अगर कोई संजीदा मूव वहाँ पे चलाते हैं तो वो इस मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। खालिद अजीम साहब, माजी में आसिफ अली जरदारी साहब नैब के हवाले से क्या गुफ्तगू करते थे, एक दफ़ा वो सुन लेते हैं। ठीक, आसिफ अली जरदारी क्या कहते थे माजी में नैब के हवाले से वो आपने सुना, इसी पर बात करेंगे। एनालिस्ट अहमद वलीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अहमद वलीद साहब कहिएगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े बोल सामने आ गए आसिफ अली जरदारी के? वो तो कहते हैं चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, और अब भी वो आखिरी वक्त तक बड़े मुतमईन थे। उनकी जो गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों से वो कहते हैं खैर होगी, सब अच्छा होगा, लेकिन उल्टा हो गया सब। जी बिल्कुल, आप देखें ना कि आसिफ अली जरदारी जो हैं पहले भी तकरीबन 10-11 साल जेल में रहे, नवाज शरीफ दौर में उनको जेल में डाला गया, उसके बाद वो मुशर्रफ के पूरे दौर में वो जेल में रहे, फिर उसकी उनकी रिहाई हुई, और उसके बाद एक और मौका भी आया कि जहां पे उनके तमाम जो पुराने केसेस थे उनमें उनको बरी कर दिया गया। तो इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जितने भी केसेज उनके खिलाफ बने थे माजी में भी वो उनमें भी बरी हो चुके हैं। तो इसलिए वो इस तरह के बयान उस टाइम पर दे रहे थे कि नैब के जो चेयरमैन है उनकी क्या मजाल है कि वो उनको गिरफ़्तार कर सकें। तो जो इस तरह की कोई चीज़ें जेल वगैरह फेस कर चुके हों, इस तरह के केसेस का सामना कर चुके हों माजी में, सियासतदानों के लिए ये बड़ा मतलब ये होता है कि एजाज़ की बात होती है कि वो जेलें काटी हैं उन्होंने, मुखालफीन ने उनको जेलों में डाला, इससे अपना वो वोट बैंक जो है उसको बढ़ाते हैं। इसी तरह से आप देख लें कि इतना कुछ होने के बावजूद जो सिंध में, जैसे खालिद अजीम साहब कह रहे थे कि सिंध में उनकी पार्टी अभी भी सबसे मजबूत है, तो सियासतदान के लिए ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी जिन्होंने जेलें पहले काटी हैं अब भी उनके लिए जेल कोई नई चीज़ नहीं है और वो इसका सामना करेंगे। ऑब्वियसली सियासतदान को एक मौका ज़रूर मिलता है इस तरह का कि वो अपने आवाम को, अपने वोटर को जाके बताते हैं कि जी देखें हमने जेलें काटी हैं आवाम के लिए, चाहे वो केसेस जैसे भी हों। उसमें अब ये है कि नैब के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि जितने भी केसेस अब नए उनके ऊपर बने हैं या तो ये कि वो केसेस बिल्कुल साबित करें, उनको जेल में जो भेजा जा रहा है जो उनके जो भी बाकी तफ्तीश करनी है तो पूरी उनको सज़ा मिलनी चाहिए किसी भी सियासतदान, और नैब के ऊपर जिम्मेदारी एक और भी है कि वो ये तासुर भी ख़त्म करें कि उनको जो पॉलिटिकल मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन, उनके खिलाफ केसेस जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, तो इस तरह से उनको मौका मिल रहा है कि वो मौका मिला है। इस पर दोबारा भी बात करेंगे। अभी ये बताएं, गुज़िश्ता रोज़ मौवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म फ़िरदौस आशिक अवान ने भी कहा, उन्होंने कहा करप्शन केसेस के हवाले से अहम बात यह है कि अब केसेस में दफा के लिए कुछ नहीं बचा, कि अदालत मोर लगा देगी कि वो करप्ट है, अदालत के साथ तमाम लिंग टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर ली हैं और जितने उनके पटारे में सांप थे वो एक एक करके उस अदालती प्रोसीजर पे उन्होंने फेंके। अब मेरा ख्याल है मजीद कुछ नहीं रहा। ठीक, तो दिफा के लिए कुछ नहीं बचा, फिर दोस्त आशिक खवान साहिबा का बयान आपने मुलाहिजा फरमाया। खालिद अजीम साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी वाले एक ही रट पे थे कि सिर्फ एक मखसूस लोगों के साथ एहतसाब का अमल इन्होंने जारी रखा है, पूरे जो सियासतदान है जो भी करप्ट है या जो भी करप्शन के जुमरे में आ रहे उनके साथ एहतसाब का अमल लाया ही नहीं गया, और खसूसन पीटीआई वाले उन्हें तो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया, जबकि अलीम खान की मिसाल तो हमारे सामने गया। फिर दोस्त आशिक खवान साहिबा का ये बयान, और इसके अलावा भी फैसल जावेद भी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जितना ये मुल्क को लूट चुके हैं उन्होंने मुल्क को दिया कुछ नहीं, तो अब किस तरह से फिर तहरीक आगे चलाएंगे, क्योंकि वही बात कि ओपोजिशन आधी तो जेल में है। नवाज शरीफ की मिसाल आप ले लें, शहबाज शरीफ की ले लें, फिर हमजा शहबाज की ले लें, और अब जरदारी साहब, आधी ओपोजिशन जो मेन लोग हैं वो तो जेल में है, सड़कों पर आके होगा क्या? देखिए, पहले एक ज़रा मैं जो चेयरमैन नैब के बारे में आसिफ जरदारी ने बात कही थी, मैं उसकी एक जो मेरी समझ में आती है एक उसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि वो शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि चेयरमैन नैब की मजाल नहीं है कि मुझ पे मुकदमात बनाएं, और अगर ये मुकदमात बन रहे हैं तो जिस तरह से वो हमेशा मुख्तदर कुव्वतों को और ख़ास तौर पर फ़ौज को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, तो शायद वो इसकी इंटरप्रिटेशन ये करें
कि चेयरमैन नैब की तो मजाल नहीं थी, मुझ पर तो मुकदमात बनवाए गए, इस वजह से ये मुकदमात बने। रही ये बात कि वो किस तरह से चलाएँगे तहरीक को, यकीनी बात है तहरीकें ऐलान के साथ तो इस तरह से नहीं चलती, वो अमल के साथ देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि तैयारी कितनी है। और मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से शायद मुझे कोई बहुत बड़ी तैयारी जो है वो दोनों बड़ी जमातों की नहीं है नज़र आती। अगरचे ये कहा जा सकता है कि ज़रूरत पड़ने पे एक अच्छा क्राउड लाहौर में मुस्लिम लीग नून जमा करने की पोजीशन में है, और सेंट्रल पंजाब के लोग भी उसमें उनकी मदद कर सकते हैं, और इसी तरह से सिंध में जहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छा उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे वो मुतहरक कर सकती है अपने लोगों को। लेकिन इसके लिए अभी ये कहा जा सकता है कि इस स्टेज पे कोई ऐसा नहीं, बयानात ज़रूर दिए गए हैं, ऐलानात किए गए हैं, लोगों को तैयार रहने की कॉल ज़रूर दी गई है, लेकिन कोई लाया अमल नहीं दिया गया। जब लाया अमल सामने आएगा तो देखेंगे कि वो किस हद तक वर्किंग है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक आरज़ू मिल गई है हुकूमत को कि अगर उनकी इक्तिसादी पॉलिसियों को, जिसकी वजह से कि जिसका असर बराह रास्त अवाम पे पड़ रहा है, अगर महंगाई हो रही है तो उसका असर अवाम पे पड़ रहा है, अगर पेट्रोल महंगा होता है उसका असर अवाम पे पड़ता है, अगर डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है और उसके नतीजे में मुल्क के कर्जे बढ़ रहे हैं और उसके जो आउटकम है वो सारे के सारे उसके असरात अवाम को झेलने पड़ते हैं। लेकिन अब इस वक्त ये जब ये तहरीक चलाने के लिए निकलेंगे और उसमें अगर जिस तरह से प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अगर कल शहबाज के हवाले से भी कोई इस किस्म का इकदाम सामने आता है तो फिर यही कहा जाएगा कि ये अपने खिलाफ होने वाले नैब के इकदाम जो हैं उनको डिफेंड करने के लिए निकले हैं। ये अवामी मसाइल की खाली ये इन्होंने छतरी तान रखी है, और इस लिहाज से ये थोड़ा सा ये भी एक वीकनिंग पॉइंट हो सकता है इनकी तहरीकों के लिए। लोग ये तो कह सकते हैं कि ठीक है हम अपने मसाइल के लिए तो आपका साथ देंगे, लेकिन आपके जो ज़ाती मुकदमात हैं उनके लिए हमें आपका साथ आने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आवाम में और कारकुन में आपको फ़र्क करना पड़ेगा, कारकुनों में फ़र्क भी करना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर सुन लेते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब माजी में मुतलिक क्या क्या दावे करते थे, क्या कहते थे, वो एक दफ़ा सुन लें। हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती, ये तुम ऐसा केस बनाओ कि तुम मुझे गद्दार करवा दो, तो ये मत कहो कि ये तुमने गाड़ी के टायर चोरी किए हैं और ये गाड़ी की ड्यूटी नहीं दी। हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे। जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, केसेस का सामना करेंगे, डील करने के हमें कोई जरूरत नहीं। क्या आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं? सामना करेंगे नैब का, आसिफ अली जरदारी ने यह कहा था माजी में। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर का कहना है कि जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद होने के बाद अगला लाहेमल गिरफ्तारी ही होता है। आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की गिरफ्तारी के लिए टीम पहले ही तश्कील दी जा चुकी है। समाज से गुफ्तगु में उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखा। दरख्वास्त जमानत खारिज हो गई है आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की, नैब का क्या लाहेमल होगा, क्या दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, नैब का क्या अगला लाहेमल? बेल बिफोर अरेस्ट जब भी मुस्तरद होती है तो अगला लाएमल गिरफ्तारी का ही होगा, कानून के मुताबिक जो है वो गिरफ्तारी में लाई जाएगी। क्या आपने कोई टीमें तश्कील दी गई हैं नैब की, यहाँ पर जो मौजूद थी या उनकी गिरफ्तारी? टीमें यहाँ पे भी मौजूद थी, नैब ने वारंट ऑफ अरेस्ट ऑलरेडी जारी किया हुआ था, इस बाबत हमने कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया था। आज अदालत ने मेरिट पे दोनों फ्रीकैन के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फैसला किया है और बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो मुलजमान की मुस्तरद की है और उसके नतीजे में गिरफ्तारी के लिए फिर तारक जो है वो जारी है। क्या फरियाद तालपुर की भी इस केस में गिरफ्तारी दरकार है नैब को? गिरफ्तारी जब बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट होगी उसको हमने अपोज़ किया है और हमारी कोर्ट ने हमारे आर्ग्यूमेंट से इतफाक़ करते हुए बेल बिफोर अरेस्ट को मेरिट पर जो है वो डिसमिस किया है, तो उसके मुताबिक जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो अमल दरामद हो गया। जरदारी और फरियाद तालपुर के जमानत मंसूबे के हवाले से हमें ज्वाइन किया है सुहेल रशीद ने। सुहेल, आपके पास ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है वो बताइएगा। ये देखें, नैब की जानिब से टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दे दी गई है, लेकिन साथ ही नैब रावलपिंडी की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई है टीम को कि अगली हिदायत का इंतजार किया जाए, क्योंकि नैब रावलपिंडी पे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर अहम इजलास जारी है, जिसमें ये नुकता भी जेरे गौर है कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनसे इजाजत ली जाए, ये फैसला किया गया है नैब रावलपिंडी की जानिब से, क्योंकि ये स्पीकर कौमी असम्बली की इजाजत इसलिए भी जरूरी है कि मेंबर कौमी असम्बली है वो, और नैब इस बात का पूरा जो है वो चाहता है कि ख्याल रखा जाए कि कहीं इस्तेहकाक मजरू ना हो, और इसलिए बाकायदा तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह किया जाए और उनसे
इजाजत लेकर गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जो तहरीरी हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसकी कापियां मसूल होने का भी इंतजार किया जा रहा है। नैब की जानिब से कि वो कापियां मसूल होने के बाद फिर कौमी असम्बली को भिजवाकर साथ ही उनसे इजाजत तलब की जाए कि आसिफ अली जरदारी को अब गिरफ्तार किया जाना है। उनके वारंट जारी किए जा चुके हैं और उनकी जमानत जो है वो मंसूख हो चुकी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, इसलिए उनकी हमें गिरफ्तारी की जरूरत है और उनके इल्म में लाने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए। तमाम कोशिश ये की जा रही है कि आज ही सारा जो है वो अमल मुकम्मल किया जाए, आज ही उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि कल सुबह उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जा सके और उनका जो है वो रिमांड हासिल किया जा सके, क्योंकि तफ्तीश के लिए उनसे वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे नैब की जानिब से और अब नैब को इजाजत मिल चुकी है गिरफ्तारी की। दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज हो चुकी है। उसके बाद जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर नैब रावलपिंडी में अहम इजलास भी चल रहा है और उसकी रोशनी में ही कोई भी फैसला किया जाएगा। लेकिन नजर रखिएगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। पीटीआई रहनुमा फैयाज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी टीम तश्कील दे दी गई है, उनकी जो दरखास्त थी मुस्तरद कर दी गई, 5 बार तौसी दी गई जिसपे पीटीआई वाले कहते हैं कि रिलीफ दिया जा रहा है, नरमी दी जा रही है कि शायद खुद ही सरेंडर कर दे, लेकिन आज फैसला वो हुआ जिसकी तवक्को शायद जरदारी साहब खुद भी नहीं कर रहे थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फैसला तो बिल्कुल ठीक है और यही तवक्को जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम बड़े अरसे से कर रही है। चीजें साबित शुदा हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जाली अकाउंट्स बने हुए हैं किसी छीमे नाई के नाम पे, किसी मुदे कसाई के नाम पे, किसी दिलबर हलवाई के नाम पे, किसी पप्पू नानबाई के नाम पे। तभी जनाब आपको लड़काना में मिलता है, कोई एबटाबाद में मिलता है, कोई सखर में मिलता है, और फिर ये मानते हैं साहब बहादुर जना आसिफ जरदारी साहब कि जनाब ठीक है जी, मेरे अगर जना जाली अकाउंट्स हैं तो क्या क्या कर लेगी जना रियासत। ये इन्होंने एक लीडिंग टीवी चैनल के लीडिंग एंकर को इंटरव्यू देते हुए कही। तो चीजें सारी साबित हैं और मैं ये समझता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी कि मजदाक। आज हाईकोर्ट ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है और पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है कि वो फर्द के जो 10% से 100% और 100% के बाद फिर पूरी ढिढाई के साथ, पूरी बदमाशी के साथ जिसने इस मुल्क को लूटा है, आज वो जो है वो कानून के कटहरे में जना वो खड़ा हो गया है। और पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि ये आले शरीफ और आले जरदारी जिन्होंने खरबों डॉलर इस मुल्क के लूटे हैं वो इनसे वापस लिए जाए, ताकि जनाब यही पैसा जो है वो डैम बनाने पर लगे, यही पैसा बैरूनी कर्जे जना उतारने पर लगे, यही पैसा जो है वो पाकिस्तान की मुआशी तामीर और तरक्की के ऊपर लगे। और बिल्कुल ठीक फैसला है। ठीक चौहान साहब, ये तो पीपल्स पार्टी तो कह रही थी कि रमजान खत्म हो जाए, ईद के बाद हम सड़कों पर आएंगे, अब आपको नहीं लगता कि इनके एहतजाज में मजीद शिद्दत आ जाएगी? मुझे आप एक चीज बताएं, कौन सा एहतजाज है ना, पहले मुझे ये चीज समझाएं। अभी पिछले दिनों जो है ना, अभी बिलावल जरदारी साहब की पेशी पे सिर्फ 2 से 3 दर्जन लोग इन्होंने पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए, पूरे पाकिस्तान से। लेकिन ये हमारी वहां की मैनेजमेंट की गलती थी कि फजूल का जो है ना उनके ऊपर पानी के फेंक के जो है वो एक चीज को हाइप क्रिएट कर दी। इनकी कौमी असम्बली के अंदर 600 वोटें पंजाब में और बलोचिस्तान में और केपीके में, और 300 वोटें इनकी जनाब सूबाई असम्बली की हैं। और इन्होंने एक नारा बड़ा जबरदस्त लगाया हुआ है पिछले 10 सालों से कि एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी। बिल्कुल ठीक, जिस पीपल्स पार्टी को आपके जनरल जियाउल हक साहब नहीं खत्म कर सके, परवेज मुशर्रफ साहब नहीं खत्म कर सके, नवाज शरीफ साहब नहीं खत्म कर सके, उसको जरदारी साहब ने अंथक मेहनत करके, अपनी अंथक करप्शन, अपनी अंथक मनी लॉन्ड्रिंग, अपनी अंथक अकरबा परवरी, अपनी अंथक लाकानूनियत के जरिए से उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब लोग किस मुंह से निकलेंगे और तहरीक क्या होगी? बिलावल जरदारी साहब क्या तहरीक चलाएंगे? ये तहरीक चलाएंगे कि हम अबू बचाने निकले हैं, आए दुनिया हमारे साथ चले? नहीं, लोग पूछते हैं कि हमारे अबुओं को मार के, हमारे अबुओं की किस्मत में फाके डाके धमाके नाके चाके लिख के, महंगाई रुसवाई जगहसाई लिख के, तुम अपने अबू बचाने के लिए हमें कहते हो कि हम अपना खून पसीना लगाएं? कोई फर्द भी पूरे पाकिस्तान में इनकी कॉल पे बाहर नहीं आएगा। हाँ, एक थोड़ा सा आपको नजर आएगा, पहले 2-4-6 दिन हल्का फुल्का कशका टकटलियां इनकी नजर आएंगी, उसके बाद कौन को इनसे क्या लेना देना इन करप्ट और बदयानत लोगों से। बिल्कुल चौहान साहब, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने बहुत दफा तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को, कहा कि एक मखसूस तबका है उस पर ही एहतसाब इंतकाम के नाम पर एहतसाब किया जा रहा है, तो क्या इंतकाम लिया जा रहा है? तो क्या और बहुत से दावे भी किए गए आसिफ अली जरदारी की जानिब से, उन्होंने कहा कि नैब के चेयरमैन की क्या हैसियत है कि वो मुझे गिरफ्तार करें या मेरे खिलाफ कुछ करें, तो अब क्या कह सकते हैं वो इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि मिसाके जमहूरियत, जिसको आप लोग मिसाके जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको कंडोलीजा रेसी कहता हूं, क्योंकि ये अमेरिकन सीआईए की छतरी तले कंडोलीजा राइस जो उस वक्त की वजीर खारजा थी, उन्होंने ये करवाई थी
पाकिस्तान के तमाम करप्ट और बदयानत जितने पॉलिटिशियन थे ना, टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, सिंप्लीफाइड, प्योरीफाइड किस्म के जो करप्ट और बदयानत थे, सारों को इकट्ठा कर दिया था कि एटमी मुल्क और एटमी मजाहिर रखने वाले इस मुल्क से लड़ाई करने के बजाय इन करप्ट सियासतदानों के हवाले कर दो, ये खुद ही तबाह कर देंगे। तो उस मिसाके जमहूरियत की छतरी तले तो इनका मौज मेला लगा हुआ था, इन्होंने अपने हाथों में हाथ देके हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स पे सारा जंगल होगा के मजदाक लुटमार का माहौल गर्म किया हुआ था। लेकिन अब जब ये पकड़े जा रहे हैं तो ये कहते हैं जी जमहूरियत खतरे में है, 18वीं तमीम खतरे में है, मिसाके जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत की आला और अरफा रवायात खतरे में है, भी कहते हैं सदारती निजाम लाने लगे हैं। लेकिन ये सब टोपी ड्रामा था सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये बचेंगे नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर आला और अरफा रवायात अब कायम होंगी जब एहतसाब का अमल शुरू होगा और इनसे लूटा हुआ पैसा वापस होगा। सही, ठीक, आप ये कह रहे हैं कि जो गठजोड़ है वो बनने वाला नहीं है, उसका कोई इम्कान नजर नहीं आता। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त दिया। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि पीपल्स पार्टी का अहम इजलास 7 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, इससे मुतालिक भी जानेंगे। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ बढ़ेंगे। खालिद अजीम साहब, कहिएगा फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे कोई गठजोड़ नहीं बनने वाला, क्यों आएंगे सड़कों पे, कोई इनका साथ नहीं देने वाला, जितना ये मुल्क को लूट चुके हैं अवाम जान चुकी है कि अब ये कुछ नहीं करने वाले, तमाम सूरत हाल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी आप टाइमिंग कैसी देख रहे हैं, बजट आने वाला है, नवाज शरीफ जेल में है, शहबाज शरीफ की बात हो, आप टाइम कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उसी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा कि ये इनका चूँकि ज़ात का मामला और ख़ास तौर पे इनके करप्शन के केसेस जो हैं उनकी वजह से इनकी गिरफ्तारियों का मामला आ गया, तो ये डाउट्स क्रिएट करना और हुकूमत की तरफ से इस नुक्ते को उजागर करना प्रोपेगेंडा की शक्ल में कि अब जो तहरीक चलाई जा रही है ये अपने आप को बचाने के लिए चलाई जा रही है, ये बजट में होने वाले इकदाम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं है, तो ये एक नुक्ता हुकूमत के हाथ ज़रूर आ जाएगा और बहुत मुमकिन है कि बहुत से लोग और जो आम आदमी है वो शायद इसका असर भी ले लें। कारकुनों की बात दूसरी है, कारकुन जो है वो हमेशा अपनी क़यादत जो है उसके उस पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इस बात की जो सोहेल रशीद आपको ख़बर दे रहे थे उसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, और वो ये है कि स्पीकर की इजाज़त उस वक्त ज़रूरी है जब आप किसी रुकन कौमी असम्बली को अहाता है पार्लियामेंट से गिरफ़्तार करते हैं, और उस अहाता पार्लियामेंट में पार्लिमानी लाजिस भी आती हैं, पार्लियामेंट का पूरा जो प्रेमिसेस है वो आता है, लेकिन बाकी अगर किसी जगह से उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो चाहे सेशन भी चल रहा हो तो सिर्फ स्पीकर को इन्फॉर्म करना काफ़ी होता है। इसलिए अब ये देखना ये होगा कि अगर उन्होंने उनको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार करने की बात सोची है तो फिर वो शायद स्पीकर से उसके बारे में इजाज़त लेंगे, ये कानूनी पोजीशन है। बहरहाल अभी थोड़ी देर तक ये पोजीशन वाजे हो जाएगी, क्योंकि ज़मानत खारिज होने के बाद अब पूरे की पूरी जिम्मेदारी जो है वो नैब पे आ गई है, अगर नैब गिरफ्तार नहीं करती तो इसको नैब की नाअहली समझा जाएगा। सही, उसके बाद का जो सीन है उसमें देखना है कि तैयारी क्या है, काल किस किस्म की दी जाती है जी। और क्या वो अफोर्डेबल है लोगों के लिए या नहीं, उनके कारकुनों के लिए इतने बड़ी तादाद में जमा होना मुमकिन है या नहीं, ये उसके बाद ये तो देखना होगा कि क्या होगा, कौन निकलेगा सड़कों पे और क्या इसके अलावा क्या हिकमत अमली अख्तियार करेगी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास 7 बजे इस्लामाबाद में तलब किया गया है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी। संजय, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, किस किस को तलब किया गया है, कौन कौन शामिल होगा इस इजलास में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो आज 7 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर रखा है। इस इजलास में पीपल्स पार्टी की आला क्यादत जो है वो शरीक होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी और साबित सदर आसिफ अली जरदारी, इन दोनों को इजलास मुश्तरका सदारत करनी है। अब देखते हैं कि इसके क्या फैसले होते हैं, आया दमादम मत कलंदर करना है या खामोशी से गिरफ्तारी देनी है, कारकुनों को सड़कों पर लाना है या क्या हुक्मत अमली बनवानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालांकि आदत कुछ देर के बाद जो है वो इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठे, ठीक है, शाम 7 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास तलब किया गया है और इसी पर बात करेंगे अहमद वलीद साहब। अहमद वलीद साहब, जैसे कि साबिक वजीर आजम तो पहले ही जेल में है और अब साबिक सदर भी जेल में होंगे, तो दो बड़ी जमातों के दो बड़े लीडर्स जब जेल में होंगे तो इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मैंने पहले भी बात हुई थी कि सियासतदान जो हैं वो जेलों में जाके तो आवाम को ये तासुर देते हैं कि उनके खिलाफ सियासी इंतकाम लिया गया, इसलिए उन्होंने जेलें भुगती, तो सियासतदान के लिए तो बड़े एजाज़ की बात है
कि उसको जेल में भेजा जाए। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो ख़ुद गिरफ्तारियां देते हैं ताकि वो फिर शो ऑफ कर सकें, अपने सियासी जलसे जो हैं उसमें बता सकें कि हमने जेलें काटी हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए। एक अहम पहलू और भी है कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है जिसमें हुकूमत जो है बड़ी मुश्किलात में घिरी है, इक्तिसादी सर्वे जो आया है उसमें भी इंडिकेटर सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं एक आध को छोड़ के। उसमें आप देख लें कि क्रॉप्स जितनी हैं फसलें बड़ी उनमें जो कॉटन है वो भी नीचे ग्रोथ उसकी गई है, सर्विसेज सेक्टर जो है वो भी बड़ा नीचे गया है। अभी तक जो इंडिकेटर्स जितने भी आ रहे हैं उस बड़े माइनस किस्म के नेगेटिव किस्म के आ रहे हैं और आगे बजट भी आ रहा है और उसके बाद फिर आप देखें कि बजट के पहले ही हुकूमत ये कह चुकी है, आवाम को खबरदार कर चुकी है कि बड़ा सख्त बजट आ रहा है, अगले एक दो साल और मुश्किल होंगे। इस तनाजुर में अगर आप देखें तो ये गिरफ्तारी जो है अखबारात टीवी चैनल्स में ज़्यादा फोकस गिरफ्तारी के ऊपर होगा, हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसलिए आप देखें कि आज का दिन जो है हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ है कि हुकूमत समझती है कि अगर आज आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार होते हैं तो सारी हेडलाइंस तो वही होंगी, लोग डिस्कस कर रहे होंगे हर जगह पर और उनका जो इक्तिसादी सर्वे और उनका जो बजट के मामला है उस पर से नजर हट जाएगी और मेन पॉइंट जो मेन डिस्कशन का पॉइंट होगा वो आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी होगी। बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे पैनल में मौजूद थे खालिद अजीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो आसिफ अली जरदारी गिरफ्तारी टीम तश्कील दे दी गई है और नैब की टीम गिरफ्तार करेगी और लाइहा अमल क्या अपनाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी एक ब्रेक, हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे कुछ ही देर में, आप देखते रहिए इस समय।